अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। कराची से डेर इस्माइल ख़ान का हमारा यह सफ़र जारी है। इस वक्त हम भिरिया बाईपास से गुज़र रहे हैं। रात के 10:17 हो रहे हैं। कराची से हम 5:16 पर निकले थे और रास्ते में हमने मगरिब की नमाज के लिए स्टॉप किया एक, और कुछ स्टॉप हमने मुसाफिरों को उठाने के लिए किए हैदराबाद पर, सकरण पर। उसके अलावा गाड़ी नॉन स्टॉप जा रही है, अभी तक खाने के लिए भी स्टॉप नहीं किया। गंबट के इर्द गिर्द हम खाने के लिए रुकेंगे। किराए की बात करते चलें तो कराची से डेर इस्माइल ख़ान का ट्रेवल जब मैंने किया था, उस वक्त डीजल की प्राइस 276 के अराउंड थी, तो मैंने 3700 रुपीज़ कराची से डेर इस्माइल ख़ान का किराया पे किया। टाइमिंग की बात करते चलें तो 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे कराची से डेर इस्माइल ख़ान की गाड़ियाँ जाती हैं, और सुबह 11 बजे और 3 बजे डेर इस्माइल ख़ान बन्नू के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। इस वक्त हम कंडियारो टुल प्लाज़ा पहुँच चुके हैं। सामने आपको मक्का कोच की हाइगर बस नज़र आ रही होगी, हाइगर डबल क्लास, और ये कराची से हारूनाबाद की साइड जा रही है, और ये कराची से मेरे ख़्याल में 4 बजे के अराउंड निकलती है, 3 बजे के कंफर्म टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन ये 3-4 के अराउंड ही निकलती है हारूनाबाद टाइम। एक दफ़ा मैंने मक्का कोच व ख़ास फ्लाइट में टाइम सफ़र किया था तो तकरीबन 3:30 बजे निकला था, तो ये मक्का कोच निशान बड़ाई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ट्रेवल के ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ रूट्स के ब्लॉग बना सकूँ, लेकिन बार दफ़ा मेरे लिए पॉसिबल होता है, बार दफ़ा पॉसिबल नहीं होता, तो जितना मेरे लिए मुमकिन होता है मैं नए से नए रूट के ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करता रहता हूँ।
Thank you.
दोस्तों हम खैरपुर बाईपास क्रॉस कर चुके हैं, 12:22 हो रहे हैं। हमारे सामने मक्का कोच और ख़ास बड़ाई की गाड़ी जा रही है, ये भी हारूना पार्ट टाइम है। इससे पहले हमने हाईगर गाड़ी को क्रॉस किया था, वो मक्का कोच ईशान बड़ाइश थी, वो भी हारूना बाद का टाइम था। ये दोनों मेरे ख्याल में आधे घंटे के वक्फे से आगे पीछे निकलते हैं, और इससे आगे बड़ाइच की नॉन एसी गाड़ी जा रही है और काफ़ी ज़बरदस्त ड्राइविंग कर रहा है बड़ाइच वाला, नॉन एसी वाला सही गाड़ी को भगा रहा है। और हम दोनों उसको क्रॉस करने के चक्कर में, मक्का कोच व खास बड़ाइच वाले भी और हम भी, लेकिन रोड के ऊपर काफ़ी ट्रैफिक ज़्यादा है। मक्का कोच की यू टर्न गाड़ी तो फंस गई, लेकिन बड़ाइश नॉन एसी वाला निकल गया। तो 21 मिनट की तकरीबन 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इस वजह से इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।